ये 14 लाख का पड़ता है, इसमें अल्टो से बड़ा इंजन है। वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भाई, बाइक रोक ली भाई कह रहे। चलो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्या हाल है सब, क्या होप आप सब बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। क्या हाल है सब, क्या आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। तो फाइनली गाइस अभी हमारी यहाँ पे ना सबकी पैकिंग वगैरह डन हो चुकी है और अभी हम निकल रहे हैं भाई राइड के लिए। बस यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद आपको बताते हैं हम राइड पे जा क्यों रहे हैं भाई एग्जैक्ट। और उससे पहले भाई मेरे को जाना है 2 मिनट भाई अपने अपना यामा शोरूम, जो मेरी बाइक है वो प्रॉपर जो है वो सेट हो चुकी है, तो उसको भाई बस वहाँ से रिलीज करवा के घर छोड़ना बाइक को। तो पहले मैं वहाँ जाता हूँ, 2 मिनट वो सारे काम वगैरह डन करवा के फिर निकलते हैं हमारे यहाँ से राइड के लिए। तो पहले गाइस आफ्टर 1 मंथ हमारी बाइक जो पूरी रिकवर हो चुकी है, मतलब प्रॉपर हो चुकी है। बट यार मेरे को इस मतलब जो ये देखो फिटिंग हल्की सी है, ये सेट वगैरह करवाते हैं। बाकी जो है भाई चेक करके निकलते हैं यहाँ से यार। बाकी भाई मेरा आगे सबसे मेरा वेट करें, बिकॉज आज हम निकल रहे हैं राइड पे यार। जो राइड है वो भद्रवाह की और वो क्यों है वो आपको बताते हैं भाई आगे चल के यार, बिकॉज बहुत सीन हो गए थे तो उसकी वजह से हमें राइड करनी पड़ रही है। बाइक तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, बट आज के बाद कभी यहाँ पे नहीं आऊँगा मैं। वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भाई, बाइक रोक ली भाई कह रहे हैं पुरानी पेमेंट करो। मेरी गलती भी नहीं है, इनकी खुद की कंपनी ने मेरी एजेंसी लेट किया, इनकी खुद की कंपनी मेरा क्लेम लेट किया, 1.5 महीने बाद क्लेम किया, मेरे को बोल रहे हैं पैसे दो। बाइक रोक ली कह रहे हैं, बाइक नहीं देनी। कोई बात नहीं भाई, अभी तो मैंने पेमेंट कर दी भाई, ठीक है। बट जिंदगी में कभी भाई ये बाइक आपको इस एजेंसी में नहीं दिखेगी। ये तो भाई मेरा शोर है, खड़े खड़े आग लग जाएगी इसको, बट इस एजेंसी में कभी जिंदगी में बाइक नहीं आएगी भाई। वो देख रहे हो बाइक नहीं रिलीज करनी, पहले पहले पेमेंट क्लियर करो। ठीक है भाई, बाहर सर्विस करा लियो इसकी, बाहर से सर्विस करा लियो इसकी और शाम को कर दे दियो, ठीक है। मैं नहीं करूँ, ये चेक करो हमारा जो ये वाइजर है सिर में खो चुका, एक बार चेक करवाए हो गया सर में, मारे पानी पे पानी मारना पकड़ना भाई। अब ये चेक करो क्यों करवाया सर में हमने भाई, ये मारो वाह छोड़ो, ये देखो भाई हिलाओ छोड़ो, ये देखो भाई पूरा पानी क्लियर हो गया भाई। इसीलिए भाई ये चीज करवाई है, बिकॉज इसमें ना एंटी फॉग है ना कुछ है। तो भाई अब इसके बाद भाई बाइक भी सेरेमिक वगैरह कराएंगे, बट आज की राइड कंप्लीट करके आते हैं पहले। अगर सेरेमिक करवानी है तो कहाँ आना है, डिटेलिंग वॉश 4x4। चलो ठीक है, ओके चलो भाई सब अब निकलते हैं फटाफट यार। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी भाई सेरेमिक वगैरह करवाना है, डिटेलिंग वॉश 4x4। उन्होंने देख लिया मेरे साथ क्या सीन हुआ भाई वहाँ पे एजेंसी में, मतलब भाई ये कोई भाई एथिक्स ही नहीं थे कि आपकी बाइक रोक लेंगे, ये करो पेमेंट। बट चलो छोड़ो यार, हमने क्या करना है, बट आज के बाद हमारी बाइक अभी वहाँ नहीं जाएगी। सो हम सभी रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से राइड के लिए। राइड पे जा रही है भाई ये हमारा बुल का राइडर है, वो हमारे 0 का राइडर है, ये है हमारे 390 BS6 और मैं BS4 390। तो अभी चलते हैं फटाफट। और ये भाई ये चेक करो सेरेमिक वगैरह इसमें डन हो चुकी है, बहुत प्यारी लग रही थी यार, और अब रील्स वगैरह भी बड़ी तगड़ी तगड़ी आएंगी। सो लेट्स गो, चलो भाई भाई जीना है, होल्ड स्टार्ट सुनाते हैं आपको। चलो ओ भाई भाई पानी के तो पानी भाई पानी भाई मेरी वजह से पहले से ही कोल्ड स्टार्ट है, बिकॉज मैं सुबह आपको पता है काम करने क्या हुआ थोड़ा बहुत। तो जो लोग भाई अभी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मेन मोटिव आपको बताएंगे हम ये राइड क्यों कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सीन हो गया था जिसकी वजह से हमें राइड करनी पड़ रही है यार। तो भाई अभी हमारे साथ जा रही है Z900 हमारी बुल, RC390 BS6 RC390 BS4। सो फाइनली गाइस अब यहाँ से निकल रहे हैं, सारी पैकिंग वगैरह डन हो चुकी है, बस अब भाई गियर अप होके निकल जाएंगे। ये रहा हमारा भाई 360, बड़े तगड़े तगड़े शॉट्स आने वाले हैं। सो बाकी बहुत मज़ा आएगा आपको आई थिंक सो इस व्लॉग्स में, इन सीरीज में। सो भाई फुल ऑन सपोर्ट दिखाना और अच्छे अच्छे कमेंट करो यार। फर्स्ट ऑफ हमारा होगा भाई वो फ्यूल अप होगा फ्यूल स्टेशन पे। तो भाई अभी हम निकल तो गए और यहाँ पे हमारी रेस लग गई है मेरी और मेहराब की, देख रहे हो। चलो भाई चलो भाई, तो भाई अभी हम फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं और आपको बताता हूँ भाई ये राइड क्यों आए हैं। भाई मेहराब को थोड़ा सा भाई कंफ्यूजन थी कि भाई लास्ट टाइम भी दीक्षा के भाई ने कुछ सीन किया था, तो इस बार कोई सीन क्रिएट ना करे। तो जैसा कि भाई कल इसने भाई उसमें उस पर थोड़ा सा फिजिकल अटैक करने की कोशिश की, तो वही सीन था इसका, बस ये कह रहा था कि भाई फिर से कोई सीन ना हो, तो इसलिए भाई मेरे को यहाँ पे रुकना ही नहीं है। चलो आप भाई लगेंगे रेसे, ये भाई 390 तो भाई मतलब जो निकलती है ना भाई
बस थ्रॉटल देने की देर है और 390 मतलब फरार हो जाती है। हम ना भाई बस स्वास्थ्य को देख के चल रहे हैं, बिकॉज ही इज अ बिगिनर राइडर ना, तो ऊपर से लगेज इसमें लोड किया हुआ है हमने, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इसको भाई देख देख के चल रहे हैं हम यार। डेडलीस्ट एंड सेक्सीएस्ट कर्व ऑफ भाई चिद्रा भाई पूरा भाई यू यू ये देखो ये भाई पूरा लीन चल रहा है, लीन गेम। टनल में जीने से रिलेटेड की सॉन्ग सुनना चाहते हो? सुनो लवली 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 भाई साहब। अभी भाई हम जो है उधमपुर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से टर्न क्रॉस करेंगे आगे नासरी वाली, देन उसके बाद हम सीधा भाई भद्रवाह वाली साइड निकल जाएंगे। हाँ भाई रेत 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 रेत। जब भी भाई आगे टर्न वगैरह बंद होते हैं, कोई सीन होता है ना भाई, सबसे पहले यहीं पे रोका दिया जाता है भाई। ये वो स्पॉट है जहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाता यार किसी को भी, उधमपुर। भाई मेरे को भूख लगी है, टर्न क्रॉस करने के बाद राजमा चावल मिलते हैं भाई, वो खाएंगे। ये चेक करो भाई तुम, अब भाई जेसीबी आई है, क्रेन आई है, क्रेन से पूरा ट्रक जो है पीछे खींचेंगे भाई। होप सो की जो कंडक्टर वगैरह हो, भाई ट्रक की ना कंडक्टर साइड बजी है, तो आई होप सो की जो कंडक्टर होगा भाई वो ठीक हो यार। पीछे भाई पूरा जाम लग गया भाई, प्रॉपर जाम लग गया पीछे यार। ओहो ये चेक करो भाई, प्रॉपर पूरा ट्रक फंस गया भाई जो। ओहो हो भैया लाउड बाइक गई कोई? तीन बाइकें ऊपर गई ना। हाँ इधर इधर ही ओके। चलो भाई एक बार कंफर्म भी कर ले कि भाई वो दोनों कहाँ से गए हैं वो तीनों। अभी हम एंटर होने वाले हैं भाई नासरी टनल में, लेट्स गो। ये तो भाई वहाँ से पूरा यू टर्न लेके यहाँ से अब जाएंगे हम सीधा भद्रवाह वाली साइड है यार। अभी सक्षम उनका वेट कर लेते हैं यार, हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, और अभी भाई थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी तो हमने भाई यहाँ पे ले लिया भुट्टा, भुट्टा ले लिया हमने खाने के लिए। और बाकी बाइक्स आप चेक करो भाई, ये क्या प्यारी प्यारी भाई बाइक्स हैं। हमने इंसान 360 की भाई थोड़े से शॉट्स लिए बताऊंगा। अभी हम सब एंटर हो चुके हैं भाई डोडा भद्रवाह वाली रोड पे, और अब हम यहाँ से आई थिंक सो 100 किलोमीटर और ड्राइव करेंगे भद्रवाह के लिए, और वहाँ जाके अमेजिंग अमेजिंग व्लॉग सुनाएंगे आप सबके लिए, अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें दिखाएंगे आपको वहाँ की यार। तो भाई फर्स्ट टाइम जो है मैं भाई इस रोड पे आया हूँ इस साइड भद्रवाह वाली साइड, तो एक्साइटमेंट है थोड़ी कि देखें जाके भाई क्या सिनेरियोज हैं क्या सीन्स हैं। ठीक है ओके बाय। सो यहाँ पुलिस वालों ने रोका अभी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये कौन सा मॉडल है? ये 19 20 हाँ जी हाँ जी। दोस्त यार थोड़ा टायर बदलो इसको, तुम लोग तो नहीं है यूट्यूबर? नहीं नहीं बस ऐसी है ये इसके, इसमें ना क्या पता क्या होता है, इस वाले टायर रेडियल दूसरे टायर में आप देखा वो होती है छोटी छोटी किले निकली होती है वो, इसमें वो नहीं होता, इसकी यही ग्रिप है इसकी। हाँ ऐसी है ऐसे आता है, रेडियल टायर होते हैं ना।
ये कितने की है? 12 लाख। हाँ हाँ, मैंने शाम को क्या बोला था, मैं 40 लाख की बाइक चलाई। 12 लाख कौन है रे? ये वाली 12 की है। अच्छा, आगे रेड वाला के? नहीं नहीं, ये वो ऑरेंज वाला, वो तो 1.5 लाख का है। पीछे वाला से ये 4 लाख का, ये भी 4 का, 20 लाख का रे। हाँ नहीं, आल्टो का 800 cc का इंजन है, इसका 950 cc का इंजन, 1000 cc का इंजन है इसका। आज देखिए मेरे कितने लाख की बाइक है, ये 12 उठाना, वो उठाना। 40 लाख की बाइक भी देखी है। कौन सी वाली? 40 लाख की बाइक वो तो देखी। अच्छा नहीं, वो भी 40 की नहीं है, वो बाइक 20 की है, 20 की H2 देखी होगी। मेहराब चाबी, चाबी 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 मेहराब की, आओ खींच दो फोटो, बैठो आप। ले लिया मेरे 12 लाख का आपका, आप बैठो ऊपर खींचते हैं आपकी। चलो ठीक है, थैंक यू सर, चल स्वास्थ्य चलो। लेट्स गो गाइस। तो भाई बाइक देख के सारे हैरान हो गए थे, कह रहे हैं हमने कहा 12 लाख की बाइक, कहते 12 लाख की बाइक, उसको हमने बताया भाई 4-4 लाख की है, 1.5 लाख की वो है। ओके सर, थैंक यू। चलो भाई, अगर आप पुलिस वालों के सामने से भाग जाओगे ना, फिर तो वो भाई तुमसे भाई तरीके से बात करेंगे, बट अगर तुम उनके साथ प्यार से रुक के उनकी बातें सुनोगे, अपनी बात सुनाओगे, तो भाई वो चिल मूड में, भाई वो है तो वो भी इंसान ही है आखिरकार। बट कहीं कहीं हर बार राइडर गलत नहीं होता और हर बार पुलिस वाले भी सही नहीं होते, सो बीच में कुछ कुछ केसेस तो रहते हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ पे रुक चुके हैं सारे खाना खुना खाने के लिए, फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। रुक जा पहले, फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाई भगर, और यहाँ पे हमने भाई राजमा चावल का ऑर्डर दिया है। भाई पीछे भी ना पुलिस वालों ने रोक लिया था, और मेरी बाइक भाई सीधी बात है इंश्योरेंस नहीं है, जिसकी वजह से भाई मेरी थोड़ी सी हालत खराब हो रही थी। अभी भाई मैं आपको बोलेंगे ऑनलाइन अभी अपनी जो है भाई क्या कहते हैं इंश्योरेंस करवा लेंगे कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स ओके रहे। सो अभी चलते हैं फटाफट भाई, पहले खाना वाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई यहाँ पे हमारे राजमा चावल भी आ चुके हैं, वहाँ से भाई कोल्ड ड्रिंक लेने गया हुआ है, और भाई कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वही बड़ा नाम सुना था बग्गर का, तो यहाँ पे देखते हैं भाई डबल कैसे हैं। हाँ तो टेस्टी है भाई, नाइस। फाइनली गाइस अभी भाई हमने अपना लंच वगैरह कर लिया, अब प्रॉपरली अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से, भाई बहुत ज़्यादा भाई थक गया यार। और भाई एक बार आप नीचे का व्यू चेक करो, चेनाब साथ में चल रही है हमारे भाई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई डोडा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से आई थिंक सो होगा कोई भाई जैसा मेहराब बोल रहा है 80 किलोमीटर और, बट आई थिंक पागल बना रहा है यार, 100 किलोमीटर वहाँ से बोल रहा था, अभी यहाँ से बोल रहा है भाई 80 किलोमीटर और है यहाँ से भी, पता नहीं भाई। अब तो शाम भी पड़ गई है, आई डोंट थिंक सो कि वीडियो क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा क्लियर आएगी आप सबको, बट जो भी होगा आप सबको एक अच्छी वीडियो पहुँचाने का कोशिश करेंगे। और भाई ये चेक करो भाई, सही है भाई, चलो भाई फाइनली गाइस अभी यहाँ पे अपना जो है सेकंड फ्यूल अप करवाएंगे और चेक करेंगे कि भाई कितना भाई इसने एवरेज दिया हमें, कितना तेल इस पर लगा भाई भद्रवाह आने के लिए, चेक करेंगे कि मेरे और मेरा आपकी बाइक बिल्कुल एक्यूरेट भाई सेम सेम एवरेज दे रही है 390 390, या फिर थोड़ा सा कोई डिफरेंस है, उसमें डीबी किलर नहीं है, मेरे वाले में डीबी किलर है, वो BS6 है, BS4 है, तो देखते हैं भाई कितना आया। कार्ड मेरा कार्ड। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाई मेरा आपके घर पे, काफ़ी ज़्यादा थकाने वाली राइड रही, और ये देखना भाई तो सुबह ही आ गई उड़े। सो गाइस जाके JP ब्लॉग से सब्सक्राइब करो, मुझे भी जाके सब्सक्राइब करना सर, सुनास लाइफ स्टाइल वाले चैनल को 1.5 सारा प्यार देना एंड खूब सा सपोर्ट करो, और इसको कमेंट करो भाई इस लड़की से दूर है, बस तेरे चक्करों में भाई उससे बात की थी भाई, मेरे चक्कर में उसको छोड़ भी दे भाई, मैं बोल रहा हूँ गलत संगत में है तू अभी। हाँ, इसको समझाओ भाई, भाई पहले तभी तो भाई इसके साथ यहाँ पे आ गए, देखो भाई
अभी तेरे को समझाएंगे डॉबी से। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं, सो अब देखते हैं क्या सीन रहेगा। पानी तो